नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मिलीबग्स क्या होते हैं और इसे हटाने का घरेलू उपाय क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मिलीबग्स होते क्या हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो जो फ्रेंड्स मिलीबग्स होते हैं वो सफ़ेद रंगों के कीटों के समूह होते हैं जो कि रुई के समान दिखाई देते हैं, और यह जो है फ्रेंड्स वो धीरे धीरे हमारे पूरे पौधों में फैल जाता है। यह पत्तियों, तनों, फूलों और फलों के पोषक तत्वों को खींचकर पौधे को खराब कर देते हैं। इसके कारण धीरे धीरे पौधों के पत्तियां मुड़ने लगती हैं और टहनियां काले पड़कर सूख जाती हैं। दोस्तों, अगर इसका सही समय पर उपाय नहीं करें तो गार्डन में लगे सभी पौधे पर यह फैल जाता है और पौधे को नुकसान करता है। मिलीबग्स ज़्यादातर हिबिस्कस, डहेलिया, फल और सब्जियों के पौधों में ज़्यादा फैलते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा हिबिस्कस का पौधा है इसमें मिलीबग्स फैलने शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कुछ आसान से तरीके जिससे कि हम अपने घरों में ही अपने पौधों से मिलीबग्स को आसानी से हटा सकें। सबसे पहले आप मिलीबग्स को पौधों से हटाने के लिए पौधों को यूज्ड ब्रश की सहायता से मिलीबग्स को हटा लें। इससे ज़्यादातर जो बग्स होते हैं फ्रेंड्स वह निकल जाते हैं, और ध्यान रखें कि आप इसे हटाने समय इसे दूसरे पौधों से अलग रखें, क्योंकि होता क्या है कि यह जो मिलीबग्स होते हैं फ्रेंड्स वह दूसरों पौधों में बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे पानी के प्रेशर से भी हटा सकते हैं। अगर आपके जो मिलीबग्स जो हैं आपके पौधों में लग चुके हैं और अगर वह पौधा जो है ज़मीन में लगा हुआ है, तो आप इसे पानी के प्रेशर से सबसे पहले हटा लें, उसके बाद यह आसानी से हट जाएगा और आपके पौधे बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। अब 1 लीटर नॉर्मल पानी में लगभग 1 चम्मच हैंड वॉश लिक्विड घोलकर इसे पूरे पौधों पर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से जो मिलीबग्स होते हैं फ्रेंड्स वह पौधों में दोबारा नहीं अटैक करेंगे और आपके पौधे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होंगे। क्योंकि जो मिलीबग्स होते हैं फ्रेंड्स वो अगर पौधों में दोबारा हो जाएंगे तो फिर से आपके पौधे जो हैं अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे और आपके जो पौधे हैं उसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगा। तो इससे जो इसमें अगर आप छिड़काव कर देंगे, ये जो हैंड वॉश लिक्विड है इससे अगर आप इसमें छिड़काव कर देंगे तो इससे जो हैं दोबारा चांसेस नहीं होंगे और आपके पौधे जो हैं हमेशा अच्छे से हरे भरे रहेंगे। आप हिबिस्कस के पौधे को हमेशा फुल सनलाइट वाले जगह पे ही रखें, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार के बग्स का अटैक नहीं होगा और आपके जो पौधे हैं फ्रेंड्स वो हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रहेंगे। तो ये थे कुछ आसान घरेलू उपाय मिलीबग्स को जड़ से मिटाने का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।